हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज अवी की पाठशाला। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, जो आजकल का एक बहुत हॉट टॉपिक बन चुका है, बिकॉज हर चीज में उसकी डिमांड है और हर चीज में वो इनेबल हो रहा है। सो उस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले हम कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। यस, ये एक रोबोट है फर्स्ट पिक्चर में, सेकंड एक मैंने एक क्लिप लगा दी है छोटी सी, एक मूवी आपने देखी होगी शायद, रोबोट 2.0, ये उसी की वीडियो है जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रोबोट सब पे रूल कर रहा है यहाँ पे। अब आगे बढ़ जाते हैं, कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं मूवी के, जैसे कि आपके फेमस रजनीकांत है, द वे फेमस रजनीकांत, एंड ये आपके द फेमस टोनी स्टार्क है। तो आज का ये टॉपिक हमारा इन्हीं पे बेस्ड हो सकता है कि आपको पता चली जाएगा। तो आज का टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा मेरे दोस्तों। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत ही ज्यादा डिमांड में है, और ये क्यों है इतना डिमांड में और ये क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो उससे पहले हम एक छोटा सा वर्ड डिस्कवर कर लेते हैं, जो आप लोगों ने बहुत सुना होगा और आप लोगों ने बहुत बोला भी होगा, दैट इज अ स्मार्ट। अब ये स्मार्ट क्या होता है? आप लोग कहते हो ना कि मतलब कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, मतलब कोई बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, वी कॉल इट स्मार्ट, ठीक है। और कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से वर्क करती है, इफिशियंटली वर्क करती है, इफेक्टिवली वर्क करती है, तो हम उसे स्मार्ट बोलते हैं। तो स्मार्ट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, तो इस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइमली। सो अगर आप किसी चीज़ को चाहते हो तो वो कितने स्पेसिफिक है, कि मतलब आपको वही चीज़ चाहिए पर्टिकुलर, या फिर आपको कुछ, आप किस तरीके से उस चीज़ को अचीव करते हो, किस तरीके से मेजर करते हो अपने गोल्स को। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँगी, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं है। बट येस, अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करती हूँ, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। दैट मीन्स कि हैविंग और शोइंग अ क्विक विटेड इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस वर्ड ही आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AI भी कहते हैं। तो अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिसमें आपकी इंटेलिजेंस का पता चल रहा हो, दैट मीन्स कि अगर कोई ऐसी मशीन आप यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपको इंटेलिजेंस का, इंटेलिजेंट होने का पता चल रहा हो कि अरे वाह, मशीन तो बड़ी इंटेलिजेंट है, मशीन को कैसे पता चला कि हमें ये फील हो रहा है या हमें ये चाहिए, हमारी ये रिक्वायरमेंट्स है, और वो कितनी एफिशिएंट है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मेरे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ एग्जांपल हैं आपके, जैसे कि स्मार्ट टीवी, स्मार्ट एसी। सो ऐसे ही आप लोग कुछ अप्लायंसेस यूज करते हैं अपने अपने घरों में। स्मार्ट टीवी का आजकल बहुत चलन है। स्मार्ट टीवी कैसा होता है, जिसमें आप बस बोल के, वॉइस सर्च करके, गूगल वॉइस सर्च इनेबल्ड आने लगा है, आप यूट्यूब चला सकते हो, आप गेमिंग कर सकते हो, आप फेसबुक रन कर सकते हो उसमें, एवरीथिंग यू कैन ऑपरेट। एंड स्मार्ट एसी की अगर मैं बात करूं, तो घर पहुंचने से पहले ही आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका एसी ऑन हो गया है ऑटोमेटिकली। अब एसी को थोड़ी पता है, एसी थोड़ी वेट कर रहा है आपके घर पे कि हाँ भाई आने वाले हैं हमारे मालिक और हम उनके लिए रूम ठंडा करके रखते हैं और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखते हैं। एंड कुछ एसीज में ये भी आने लगा है कि वो अकॉर्डिंगली आपके बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली ही अपने सेंसर्स के थ्रू टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट फ्रिज। जी हाँ, ये एक ऐसा रेफ्रिजरेटर है जिसमें लाइक आपने अभी तक तो एडवर्टीजमेंट्स में देखा होगा कि आइस क्यूब्स अपने आप हो जाते हैं, और वो तो बहुत पुराने टाइम से चल रहा है, और दही जमाने के लिए लाइक फॉर कर्ड, तो उसके लिए भी आपके लिए स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स आ गए हैं। बट येस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये भी पॉसिबल है दोस्तों, कि कैसे आप किसी भी सब्जी को, अगर आप अंदर रखे हुए हो या कोई भी वेजिटेबल है आपके पास, रॉ वेजिटेबल, आप उससे कौन सी डिशेस प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, वो आपको स्मार्ट रेफ्रिजरेटर बता देगा। मतलब यहां तक कि सारी रेसिपीज भी बता देगा, डिशेस भी बता देगा, कि आपकी, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, सारी इंटेलिजेंस ना रेफ्रिजरेटर के पास आ जाएगी। कि आपको अगर खाना बनाना है, तो आपको बस फ्रिज के दरवाजा खोल के घंटा भर ये नहीं सोचना है कि हम क्या बनाएं, ये सब्जी रखिए, इसका ये बन सकता है, उसका वो बन सकता है, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होंगे, डिफरेंट चॉइसेस होंगे। सो दिस इज हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेक्स एनी ऑफ द मशीन स्मार्ट। तो स्मार्ट की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जाहिर सी बात है। स्मार्टफोन्स की बात करूं, इसके बारे में तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, ये अपने आप में सेल्फ आंसरिंग है, सेल्फ डिफाइंड है, कि कैसे आप स्मार्टफोन के थ्रू बहुत सारी चीजें इस पूरी दुनिया में एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ योर स्मार्टफोन। सो आइए अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक छोटी सी डेफिनेशन की। तो अगर मैं बात करूं, ये कंप्यूटर साइंस का ही पार्ट है। जी हाँ, तो एक स्टडी है कंप्यूटर साइंस की, जिसमें आपका ये अटेम्प्ट करते हैं हम लोग कि कोई भी मशीन है वो इस तरीके से परफॉर्म करती है कि वो बिल्कुल ह्यूमन माइंड की तरह, ह्यूमन ब्रेन की तरह परफॉर्म करने लग जाए, वो इस तरीके का बिहेवियर अपना करे कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं या जो मशीन हैं वो बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करें, ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह वर्क करें। सो बस वही कैपेबिलिटी किसी भी मशीन की अगर हम कर देते हैं, तो वो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। सो अब देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्चुअली होता क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल, गूगल नाउ, सीरी, कॉर्टाना, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके इंटेलिजेंट डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट्स हैं। मतलब आपके जो आईफोन है, एंड्रॉइड फोन है या विंडोज मोबाइल फोन है, उसमें आपके ये इंटेलिजेंट कुछ असिस्टेंट्स हैं, जिसकी वजह से आपकी मशीन इंटेलिजेंटली परफॉर्म करती हैं। ज्यादा नहीं देखना है इसके बारे में, बट हाँ, पता होना चाहिए हमें। अब ये सबसे बड़ी बात, भाई इनके पिताजी कौन है, पिताजी का मतलब कि इस चीज को लाए कौन थे। तो बिल्कुल एलन ट्यूरिंग सर जो थे, वो इनको लाए थे। ये बहुत ही फेमस इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टर्म को डिफाइन किया था। एंड इसके जो फादर हैं, उनको हम बोलते हैं जॉन मैकार्थी, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिशियन ने ये चीज तो बोला था कि क्या मशीनरी वर्क कर सकती है इंटेलिजेंस के साथ, लेकिन जो लेके आए इनके पिताजी कौन है, वो आपके जॉन मैकार्थी कहलाते हैं। सो स्टडी जो की थी पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये जॉन मैकार्थी ने की थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं अब आगे बात करती हूँ, तो कुछ एप्लीकेशंस AI की, ऑल दो एप्लीकेशंस AI की बहुत ही ज्यादा वाइड है, वास्ट है, क्योंकि AI आपका, दैट मींस आर्टिफिशियल आपका हर जगह, हर फील्ड में आजकल यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, हेल्थ केयर में यूज हो रहा है आपका, ऑटोमोबाइल में यूज हो रहा है, फाइनेंस में यूज हो रहा है, सर्विलेंस में यूज हो रहा है। आपने देखा होगा मूवीज में, फॉरन की जो कंट्रीज की मूवीज होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि चल रही होती है गाड़ी, और ट्रैफिक पुलिस उन्हें ऐसी ट्रैक कर लेती है, तो उनकी डिवाइसेस कितनी इंटेलिजेंट थोड़ी होती है कि उनको सूंघ के पता चल जाएगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, दैट इज ओनली द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर उनको किसी क्रिमिनल को पकड़ना है, तो उनके पास बहुत सारी टेक्निक्स है जो वो लोग यूज करते हैं। सो यही कुछ एप्लीकेशंस हो गई।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और अगर मैं मेडिकल फील्ड की बात करूं तो वहां पे आपको देखिए बहुत सारे नर्सिंग एड्स मिल जाएंगे, डिजिटल कंसल्टेशन मिल जाएगा, जैसे कि आजकल बहुत चल रहा है कि आप टाइप करते हो कुछ और आपको रिजल्ट मिल जाता है ना, तो वो सारी चीजें आपकी क्या हो जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है, वो उसी के थ्रू पॉसिबल है। अब कुछ प्रोज एंड कॉन्स ऑब्वियसली होते हैं हर चीज के, कुछ फायदे होते हैं कुछ नुकसान भी होते हैं। तो अगर मैं फायदों की बात करूं तो बहुत सारे इसके फायदे हैं, जैसे कि इसमें एरर बहुत कम होती है, अगर हम किसी रोबोट के साथ वर्क करते हैं तो उसमें एरर होने के कम चांसेस होते हैं, क्योंकि उसका दिमाग डाइवर्ट नहीं होता, उसको जो प्रोग्रामिंग की गई उसके अंदर जो सेट किया गया है बस वो वही काम करेगा, ठीक है। और ये टाइमली वर्क करते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इनके साथ रिस्की सिचुएशन में काम करने अभी बहुत ही ज्यादा इजी होता है, बिकॉज हम हर जगह ह्यूमन लॉस नहीं कर सकते, कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जितना बहुत रिस्क होता है, या बम फट गया या कुछ माइंस फट गई, तो वहां पे हम अगर रोबोट्स को भेजेंगे तो हमें इतना दुख नहीं होगा, बट अगर कोई इंसान जाएगा वहां पे तो उसकी जान को खतरा होगा, तो हम उसको नहीं भेज पाएंगे वहां पे। नेक्स्ट इज लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग हाँ, ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मशीन जल्दी थिंक करके बता देती है, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर इज ऑल्सो मशीन, वो भी आपको जल्दी से जल्दी बता देगी। नेक्स्ट इज कॉन्स। कॉन्स मीन्स हम कुछ इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, तो एक्सपेंसिव रहता है थोड़ा सा, अगर हम स्मार्ट टीवी लेने जाएंगे तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव होगा हमारे लिए, बहुत ज्यादा महंगा होगा, बट अगर हम नॉर्मल टीवी लेंगे तो वो आपके लिए बहुत सस्ता रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ अल्टरनेट टू ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑब्वियसली अगर हर जगह रोबोट्स काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, बेरोजगारी आ जाएगी ना, तो दैट इज द कॉन, वन ऑफ द कॉन। एंड इंक्रीज्ड डिपेंडेंसी ऑब्वियसली, अगर हम हर चीज को पहले क्या होता था, मशीन से कपड़े नहीं धोते थे, हाथ से कपड़े धोते थे, इंसान स्वस्थ रहता था, काम भी होता था, अब क्या वही वो टाइम जो आपका मशीन सेव कर रही है उसमें वो इंसान क्या कर रहा है, हम डिपेंडेंट हो गए मशीन के, भी मशीन धुलेगी हमारे कपड़े, हमें तो धुलनी नहीं, मेहनत नहीं करनी, मोटे होते जा रहे हैं, और उसी टाइम में जिस टाइम पर मशीन सारा काम कर रही है हम अपना फोन चला रहे हैं, हम अपने गाने सुन रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं बस, तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉन है। यस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम कुछ एक कंक्लूजन पे आके रुकते हैं यहाँ पे, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। प्रॉपर अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं इस चीज का, तो ये एक मशीन की इंटेलिजेंस है जो कि डेवलप की जाती है, जिससे कि हमारी जो कंप्यूटर में जो आपकी मशीन है वो आपकी स्मार्ट बन पाए। जॉन मैकार्थी इसके फादर कहलाते हैं, जिन्होंने इंटेलिजेंट मशीन की साइंस और थ्योरी दी थी, एंड ऑब्वियसली ये हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए हैं आजकल, और हम इसको अप्लाई कर चुके हैं, हम टोटली इस पर रिलाई करते हैं, और हमें भी बहुत मजा आ रहा है स्मार्ट स्मार्ट गैजेट्स को यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। सो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत तो आइडिया मिला होगा अगर ज्यादा नहीं, और तो मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, बट फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अगली वीडियो में किस टॉपिक पे आपके लिए लेके आऊँ। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।